अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। ये रेगुलर व्लॉग नहीं, अगर व्लॉग देखने वाले आए तो माजरत है। ये एक बड़ी खास गाड़ी है जो आजकल मिड साइज एसयूवी चल रही है, ये उसका रिव्यू है, एज इन जनरल रिव्यू है। मेरा दोस्त जो वकास मेरे साथ बैठा है, ही इज द ओनर ऑफ दिस व्हीकल, पर्टिकुलर व्हीकल, एंड आई थिंक ये बहुत कम गाड़ी है इस वक्त सड़क के ऊपर। हाँ, ऑब्वियसली अभी इनका ऑफिशियल लॉन्च तो हुआ नहीं है, तो व्हेन इज द ऑफिशियल लॉन्च बाय द वे? इट वाज सपोज्ड टू बी ऑन द 15th, लेकिन आई डोंट नो, अभी ये शायद जनवरी में अब कर रहे हैं। इस सबसे पहले आ जाते हैं प्राइस के हिसाब से, तो इस पर्टिकुलर व्हीकल की प्राइस क्या है बकास? जो रिटेल प्राइस है, जो 5485। अच्छा, ठीक है, प्लस फाइलर एंड नॉन फाइलर की जो भी टैक्सेस वगैरह होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। और ये कितने सीसी है गाड़ी? 1.5 टर्बो है ये। अच्छा, और हाउ मेनी हॉर्स पावर? आई बिलीव ये 160 एट 4400 आरपीएम। नो, इट्स 164 at 4400 RPM. Yeah. मैंने थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा था, since I happen to like this car, जब ये मतलब आपके पास नहीं भी आई थी तो उस वक्त भी मुझे ये शक्ल सूरत इसकी तस्वीरों में बहुत अच्छी लगी। तो कुछ फीचर्स के हवाले से हमें बताएं। फीचर्स इसमें काफी अच्छे हैं, अगर मैं ओवरव्यू आपको थोड़ा सा दूं तो वो आपके पास भी ZX रही है, आपको याद है उसमें रेडार सिस्टम, उसी का तरह का सिस्टम इसमें है, MG पायलट, ठीक है, क्रूज कंट्रोल है विद लेन असिस्ट एंड स्पीड असिस्ट, ठीक है, लो स्पीड पे भी ये वर्क करता है, अंडर 30 भी करता है और अबव 30 भी करता है, चाहे 150 तक या 200 तक। आपके पास आई बिलीव 1.5 टर्बो सिविक भी है। ओ यस। उसके मुकाबले में जरा इंजन की पावर वाइज बताएं, क्योंकि बहुत से लोगों को होता है ये काफी, ये थोड़ी सी एक्चुअली स्पोर्टेज और हुंडई की जो गाड़ी निकली है उससे थोड़ी सी बड़ी लगी। इंजन का मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो सिविक का इंजन है इट्स ऑल्सो वेरी गुड इंजन, वेरी गुड माइलेज, लेकिन वो जब आप रेव कर रहे होते हैं तो लगता है जैसे जान मार रहा है। ये इतना स्मूथली रेव आउट करता है और ड्राइव ट्रेन इसका बहुत अच्छा लगा मुझे, और पावर डिलीवरी इज वेरी गुड। ये मांग रहा होता है कि रेव मी अप। अच्छा, ये बताएं कि ये फोर व्हील है कि टू व्हील है? ये टू व्हील है। नहीं नहीं, इन्होंने टू व्हील यहाँ पे अभी ये मुतारिफ करवाया है, वैसे इसमें फोर व्हील भी आता है और 2 लीटर टर्बो इंजन भी आता है, लेकिन हमारे जो यहाँ पे ग्रुप है उन्होंने इसको 1.5 में ही लॉन्च किया। मे बी ड्यूटी स्ट्रक्चर आपको पता है 1.8 के ऊपर काफी ज्यादा हो जाता है। तो मुझे ये बताएं, इसके ऊपर ऑब्वियसली अभी ये लॉन्च नहीं हुई, तो मैंने कुछ गाड़ियां बिकते हुए देखी थी ऑन पार्क पिज्जा आई बिलीव, तो उसपे क्या ऑन चल रहा है? यार लोग डिमांड कर रहे हैं तकरीबन 6.5 मिलियन इसका, 6.5 व्हिच इज रफली अबाउट 1 मिलियन ऊपर। हाँ, तो उनको 8-9 तो मिल जाता होगा, 8-9 मिल जाता है। हाँ, आपके पास अभी 2 हफ्ते पहले स्पोर्टेज भी फैमिली में आई है, ठीक है, तो उसको आपने चलाया, उसके हवाले से क्या डिफरेंस है बिटवीन द टू? स्पोर्टेज भी काफी अच्छी गाड़ी है, लेकिन जो इंटीरियर बिल्ड क्वालिटी इसकी है ना, क्योंकि ये CBU इंपोर्ट है यूनिट, तो ऑब्वियसली इसकी आपके सामने सॉफ्ट लेदर टचेस और हैंडलिंग ग्रिप, इसकी ऐसी फील आती है जैसे आपको यूरोपियन जर्मन कार चला रहे हैं। ये पर्टिकुलर ब्रांड तो है तो ब्रिटिश, MG। या इट इज डिजाइंड इन ब्रिटेन, लेकिन ये ऑन करता है चाइनीज ब्रांड SAIC SAC Motors। अच्छा, जो काफी बड़े बड़े ब्रांड्स को भी बनाते हैं चाइना में, Volkswagen है, Audi है, Chevrolet वगैरह। तो ये मीटर के हवाले से इसमें क्लस्टर के अंदर अगर हम देखें, हाँ, तो क्या कुछ आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? इसमें देखें, आपके सामने अभी डिजिटल स्पीड पे है, उसके अलावा करंट जर्नी और एक्युमुलेटेड टोटल आप इसकी माइलेज और डिस्टेंस चेक कर सकते हैं, देन बैटरी का है, चारों टायर के प्रेशर ये हर वक्त मॉनिटर करता रहता है, उनकी टेम्परेचर मॉनिटर करता है, कोई चेंज आए तो आपको फौरन नोटिफाई कर देगा, ठीक है। तो मतलब इसके अंदर तकरीबन सारा कुछ अवेलेबल है, व्हिच यू फाइंड इन अ वेरी टॉप एंड। या इट्स लाइक अ मिनी लैंड क्रूजर यार, मुझे लग रहा है जब से मैं चला रहा हूँ कि मैं अपनी वो ZX ही चला रहा हूँ, लेकिन इन अ स्मॉलर वर्जन। हाँ, अच्छा, ये जो AC की ये जो थ्रो वाले वेंट्स है, ये कुछ फोर्स 5.8 इटालिया फरारी से कोई इंस्पायर हुआ है मुझे लगे। जो डिजाइन है ना वो काफी चीजों से मिलता जुलता है, इवन जो ग्रिल है फ्रंट ग्रिल आप दिखाएंगे तो मुझे तो वो मर्क से काफी मिलती जुलती लगती है। इवन द डैशबोर्ड इज मतलब कुछ यहाँ से अगर मैं लेफ्ट साइड से देखूं जो पैसेंजर सीट है तो काफी एक फरारी वाली फील आ जाती है। हाँ हाँ, ये कुछ ये आई डोंट नो, कुछ लोगों को चीज पसंद होगी, कुछ को नहीं पसंद होगी कि यार नहीं, आई फाइंड इट टू बी, अब जिस तरह सीट्स है, सीट्स के हवाले से स्पोर्टेज की सीट्स जो है
वो बकेट स्टाइल नहीं है, ये जरा थोड़ी स्पोर्टियर बकेट स्टाइल सीट्स है। तो क्या फैमिली वाइज, अगर आप क्योंकि यू हैव अ फैमिली, तो क्या वो आर दे कंफर्टेबल इन दिस इन दीस सीट्स? हाँ देखें, ज्यादा बच्चों को इतना इश्यूज नहीं होता है, लेकिन बड़ों को काफी होते हैं। तो मेरे वालिद साहब ने भी चला के देखी, तो अगर उनको कंफर्टेबल लगी है तो देन इट मींस के बड़ों के लिए भी। अच्छा, ये जो ड्राइविंग साइड की सीट है इसमें ऑल द वे लंबर सपोर्ट ये वो सारा कुछ एग्जिस्ट करता है? व्हाट अबाउट द पैसेंजर साइड? पैसेंजर साइड में लंबर सपोर्ट नहीं है, लेकिन हीटेड सीट्स ये फ्रंट दोनों है और ऑटोमेटेड दोनों है। एंड व्हाट अबाउट द बैक सीट्स? रियर में वो हीटेड नहीं है। और ये फ्रंट वाली कोल्ड भी है कि नहीं है? नहीं नहीं, जस्ट हीटेड सीट्स, जस्ट हीटेड सीट्स। अच्छा, आ जाते हैं ओवर टू द ऑब्वियसली ये जो एंटरटेनमेंट सिस्टम है या जो भी हम, ये 10.1 इंच की स्क्रीन है, फॉर नॉट रॉन्ग। तो इसमें आप मुझे कुछ बता रहे थे एयरप्ले के हवाले से। हाँ, इसमें एप्पल एयरप्ले और एंड्रॉइड ऑटो भी है, तो आप अपना फोन अटैच करते हैं, जो लोग यूज करते हैं एप्पल कार प्ले वगैरह उनको पता होगा कि सारा फोन आप ऑलमोस्ट इसमें यूज कर सकते हैं। तो ये इस अ वेरी गुड फीचर और आजकल हर गाड़ी में होना चाहिए। अच्छा, मैं यहाँ नीचे देख रहा हूँ ये डाउनहिल, ये गाड़ी बनी हुई है, मतलब विच जैस के डाउनहिल असिस्ट है? हाँ, डाउनहिल क्या अपहिल असिस्ट है इस गाड़ी के अंदर? नहीं, सिर्फ डाउनहिल ही नजर आ रहा है मुझे भी, मैंने भी अपहिल इसमें अभी देखा नहीं है। अच्छा, ट्रंक भी जो है वो अंदर से भी खुल जाती है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आपकी की से भी खुल जाती है, क्लोज भी हो जाती है और खुल भी जाती है। मोड इसमें काफी अच्छे हैं, आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं मोड, ठीक है, स्पोर्ट मोड है, कस्टम, नॉर्मल, इको, सारे मोड्स हैं, फिर से एक सुपर स्पोर्ट मोड है। अच्छा, ठीक है, ये इस क्विक मोड के अगर आपको फोरी पावर चाहिए किसी जगह पे तो आप इसको एंगेज कर सकते हैं, ठीक है। और तो ये बताएं, एंगेज करते ही आपके लाइट्स और सारी चीजें वो चेंज हो जाती हैं। लाइट से मुझे याद है एम्बिएंट लाइटिंग। या एम्बिएंट लाइटिंग इसमें काफी किस्म की है, आप अपनी मर्जी से भी चेंज कर सकते हैं। और ये देखें, इसको आप चेंज करते रहें अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। अच्छा, और ये ऑटो मतलब पे भी हो जाता है। एंड देन मैंने एक फीचर, क्योंकि कल रात को मैं आपके साथ बैठा था, व्हेन द डोर ओपन्स तो एम्बिएंट लाइटिंग चेंज होती है। यस, और चलते पे डिफरेंट हो जाती है, ये क्या सीखे? ये क्योंकि इसका मोड हमने इसको ऑटो पे एम्बिएंट लाइटिंग की हुई है, मोड चेंज करें या गाड़ी ऑन अनलॉक करें लॉक करें वो चेंज करता रहता है अपना सारा मूड गाड़ी। ये स्टीयरिंग के ऊपर आई सी बहुत सारी नॉब्स वगैरह दिए हैं, कैन यू एक्सप्लेन अस अबाउट ऑन दिस? श्योर, ये तो आपके क्लस्टर को यूज करने के लिए, दिस इज योर वॉल्यूम एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए, यहाँ से आप अपना चेंज कर सकते हैं मोड अपने म्यूजिक का। देन दीज टू बटन्स ये आप कस्टमाइज कर सकते हैं, ये वाला किसी भी चीज के लिए, इसमें चार पांच चीजें अपने फोन के लिए या किसी और फीचर के लिए, दिस इज अप टू यू। और ये स्पीच रिकॉग्निशन के लिए ये। अच्छा, ठीक है, ये बताएं फाइनल के फ्यूल के हवाले से, क्योंकि दैट इज बीइंग कंसीडर्ड एज वन ऑफ द बिग थिंग्स इन द मार्केट। मेन इशू वही है, अगर आप इसके कंपेयर करें इसी रेंज में गाड़ियों की कैटेगरी में तो उसमें ये बेहतर है, क्योंकि 1.5 है, 1.5 है, बाकी स्पोर्टेज और टुसॉन जो है वो 2 लीटर है। बट कंसिडरिंग के 1.5 है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसकी माइलेज होंडा जैसी होगी, लेकिन होंडा की माइलेज इससे बेहतर निकली 1.5। अच्छा, मे बी बिकॉज इट्स अ स्मॉलर कार, लाइटर कार, तो ये हैवी होने की वजह से, वेट होने की वजह से। लेकिन अभी एक बात और भी है कि ये 1000 से अभी बिलो अभी इसकी माइलेज है, 1000 पे जाके एक दफा गाड़ी को नॉर्मलाइज करते होते हैं। अच्छा, ये क्या कंपनी के पास आपको वापस जाना पड़ता है, क्योंकि न्यू रनिंग इंजन के लिए थोड़ा सा इन्होंने फ्यूल ज्यादा रिच किया होता है इंजन को, तो अब ये बाद में 1000 पे जाके थोड़ा लीन करेंगे और नॉर्मल करेंगे इसको। अच्छा, सर्विसेज के हवाले से ये बताएं कि क्या इनकी पर्टिकुलर को आउटलेट, जहाँ ये अगर मैंने गाड़ी खरीदी है मुझे सर्विस करानी है, तो कोई पर्टिकुलर आउटलेट इनका लाहौर में कहा है? हाँ बिल्कुल, होंडा सिटी सेल्स हुआ करता था, वो अब वहाँ से खत्म हो गया, उसकी जगह एमजी सिटी सेल्स वहाँ पे ओपन हो रहा है। अच्छा, बिल्कुल कलमा चौक में, कलमा चौक के ऊपर, होंडाई के शोरूम के बिल्कुल, होंडाई के बिल्कुल जैसे वाला। तो उसके अलावा आई एम प्रीटी श्योर 2-3 और भी ओपन हो रहे होंगे साथ साथ। और ये रेयर सीट्स के हवाले से ये बताएं, क्योंकि मैं स्पोर्टेज के अंदर बैठा था तो वो थोड़ी ना मेरी जो टांगे थी, घुटने थे थोड़े, मतलब पैसेंजर साइड
या ड्राइवर साइड सीट फुल पीछे करता था तो वो इसके साथ नी के साथ जाके जुड़ते थे। अच्छा, तो इस गाड़ी के हवाले से आप बताएं कि आपने ये टेस्ट किया है कैसा है? वैसे अगर फिगर्स वाइज भी ये गाड़ी थोड़ी सी विड्थ में भी चौड़ी है और लेंथ में भी थोड़ी लंबी है और हाइट में भी थोड़ी सी ऊंची है। हाइट में भी तो ये टुसॉन और स्पोर्टी से थोड़ा सा इसका साइज बेहतर है, तो वही चीज आपको अंदर भी नजर आ रही होगी, थोड़ी स्पेशियस लगती जरूर है। अच्छा, उनसे और डेफिनेटली होगी भी। इंफोटेनमेंट के सिस्टम से दोबारा हम वापस आ जाते कि इसमें कितने स्पीकर्स हैं, क्योंकि आई बिलीव इसमें MG के बारे में अगेन मैं बोलता चलूं कि मैंने थोड़ी सी रिसर्च की थी, तो 4-way स्पीकर सिस्टम आता है और 6-way, विच वन इज दिस? नॉट क्वाइट श्योर, लेकिन मेरा ख्याल है ये 2 and 2 प्लस ये भी 2 है, 6 हो गया। सो CBU यूनिट के अंदर 6-way आता है। इसके और कोई ऑब्वियसली यहाँ खोलते हैं तो ऑब्वियसली ये लाइट सिस्टम एवरीथिंग यू गॉट पैनोरामिक रूफ टॉप, एनी मोर थिंग दैट यू कैन एक्सप्लेन दीज पीपल, ये जो व्यूज है कि इस गाड़ी के अंदर एडिशनल फीचर जो हम लोग भूल रहे हैं? फीचर्स तो देखें काफी ज्यादा, आप एक्सप्लोर करते रहेंगे तो आते रहेंगे, लेकिन मेन चीज जो मेरा ख्याल है व्यूअर्स भी जानना चाह रहे होंगे कि अपनी कैटेगरी में इस गाड़ी का और बाकियों का क्या डिफरेंस है, तो मैं तो कहूंगा कि यार ये इस मच बेटर कार देन अदर टू, क्योंकि इसकी बिल्ड क्वालिटी और इसकी हैंडलिंग, ग्रिप और पावर डिलीवरी, सो लेन असिस्ट भी है, देन यू गॉट इसका MG पायलट जो रेडार शेडार वो भी है सारा कुछ, राइट? सेंसर्स के हवाले से ये बता दें, सेंसर सिर्फ इसके रिवर्स रियर साइड पे हैं, ठीक है, जो पार्किंग सेंसर्स हैं, ठीक है। कैमरा इसका फ्रंट भी है, रेयर भी है और साइड्स पे भी है, इसको 360 व्यू आपको मिल जाता है। 360 व्यू जरा दिखाना पसंद करेंगे? हाँ, श्योर। वाओ, तो आप अगर कहीं भी गाड़ी को पार्क कर रहे हैं, टर्न कर रहे हैं, सिग्नल करते हैं, तो आप ये 360 व्यू के साथ कर सकते हैं, तो आपको फ्रंट इतने सेंसर्स की जरूरत नहीं है। मुझे ये दिखाना पड़ेगा सीन, ये देखें जरा, ये आप लोगों के सामने है, यू गॉट एवरीथिंग। अब ये जरा राइट को स्टेयरिंग करते हैं, सो ये चेक करें, सो यू बेसिकली गॉट 10.1 inch स्क्रीन जिसमें आपको एक साइड पे नजर आ रहा है 360 व्यू एंड ऑन द अदर साइड यू गॉट द फ्रंट कैमरा, राइट? या तो और इसके हवाले से, इस गाड़ी के हवाले से देख लेते हैं। अच्छा, और काफी बेहतर इसमें एक फीचर है जो कि लो ट्रैफिक में बड़ा काम आता है, फॉरवर्ड कोलिजन सिस्टम। अच्छा, समटाइम्स आप ट्रैफिक में होते हैं तो नजर लेफ्ट राइट हो जाती है, अगले गाड़ी में ब्रेक लग जाए तो आपका कोलिजन का चांस होता है, लेकिन इसके रडार्स की वजह से ये ऑटोमेटिकली उस कोलिजन को बचाने के लिए ब्रेक कर लेती है, ये चलते हुए भी और लो स्पीड से भी, ये बड़ा फायदा है इसका। अच्छा, यस, तो इसके और आई थिंक प्रीटी मच बाकी तो स्टैंडर्ड ही होता है। स्टीयरिंग जो एडजस्टेबल है, ठीक है, और ये पैडल शिफ्ट, ऑब्वियसली पैडल शिफ्ट, यू गॉट पैडल शिफ्ट गियर्स स्टीयरिंग के पीछे, ठीक है ना, व्हिच इज दीस डेज ऑब्वियसली रिक्वायर्ड एज अ यू नो बेसिक। एक चीज मैं और चाहता था इस गाड़ी में होनी चाहिए थी, इसका खैर स्टीयरिंग तो आप मूव कर सकते हैं अप एंड डाउन एंड फोर वे कर सकते हैं, लेकिन ये अगर ऑटोमेटिक होता तो वो ज्यादा बेहतर है, जिस तरह क्रूजर में होता है, क्रूजर में होता है, बट ऑब्वियसली कीपिंग इन व्यू द प्राइस, ड्राइव करते हुए, हाँ हाँ वो, लेकिन ड्राइव करते हुए वो आपको पता है बड़ा मुश्किल हो जाता है इसको करना, इसको पहले आपको सेट करना, इसको सेट करना, बट ऑब्वियसली मेमोरी वाली वो कोई सीन नहीं है, वो मेमोरी सीट्स नहीं है इसमें, एक क्रूजर, रेंज ओवर या बहुत बड़ी SUVs के अंदर, एक्सपेंसिव SUVs के अंदर आता है, बट अगेन ये एक छोटा सा है, कोई नथिंग मेजर इन पर्टिकुलर जो इस गाड़ी में मिसिंग है इस वक्त। हाँ, मिसिंग है, लेकिन एक चीज थोड़ा सा मुझे फील हुआ है कि वो सारा का सारा जो इसका कंट्रोल यूनिट है, आपके जितने मोड्स हैं या फीचर्स यूज करने के लिए, वो एक टच स्क्रीन सिस्टम है, क्योंकि बटन्स आपके सामने हैं, बहुत मिनिमलिस्टिक स्टाइल है, तो वो थोड़ा सा लैगी हो जाता है। अच्छा, जैसे अगर मैं ये बटन प्रेस करता हूँ होम का, इट विल टेक सम टाइम, इट इज पॉइंट समथिंग ऑफ अ सेकंड, जो पॉइंट समथिंग ऑफ अ सेकंड, ये डिले कभी कभी आपको अनोइंग लगता है, जैसे मुझे अब एसी चेंज करना है, आई विल क्लिक इट हियर, इट विल टेक अ मोमेंट, ठीक है, ये समटाइम्स आपको लगता है कि अरे क्विक होना चाहिए, लेकिन टच स्क्रीन में ये मैंने बाकी भी बड़ी गाड़ी में भी हो सकता है, अभी तक आपने स्टिकर इसके ऊपर नहीं उतारा तो उसकी वजह से भी डिले टच के अंदर आ रहा है, इसमें थोड़ा सा लैग है। अच्छा, इसके अंदर लैग है, इसको इंप्रूव किया जा सकता है। ओके, सो दिस इज अ डाउनसाइड टू द इंफोटेनमेंट सिस्टम, टच जो है इसे इंप्रूव करना चाहिए, थोड़ा और क्विक करना चाहिए, तो इसके अलावा तो आई थिंक दिस इज नथिंग एल्स, एवरीथिंग इज सो गुड, वी हैव कवर्ड द होल कार। सो अगर आपको ये जनरल सा हमारा रिव्यू अच्छा लगा हो
तो मेक श्योर लाइक दबाओ, शेयर करना ना भूलना वीडियो को, एंड थैंक यू टू वकास फॉर ऑब्वियसली ब्रिंगिंग दिस कार, एंड आप लोगों के लिए ऑब्वियसली ये नो प्रॉब्लम हम कर सके. थैंक यू. सो लाइक ऑलवेज स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. पीस आउट. बाय बाय.